हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी अभ्यास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन ईयर 2022 में आया हुआ आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से औपनिवेशिक भारत में अकालों में अचानक वृद्धि क्यों हुई, इसके विषय में कारण प्रस्तुत करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 150 शब्दों में देना है, जिसमें आपको औपनिवेशिक भारत में आने वाले अकालों के कारणों के बारे में चर्चा करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच रहेगी, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो अकाल की स्थिति क्या होती है, इसको समझाकर इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। अकाल नियमित खाद्य आपूर्ति की कमी के परिणाम स्वरूप एक क्षेत्र की आबादी द्वारा अनुभव की जाने वाली तीव्र भूख की स्थिति को अकाल कहा जाता है। इसके अलावा अकाल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें बंगाल में 1769-70 में आया हुआ अकाल और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था 2 वर्षों की अनियमित वर्षा और यहाँ पर जो चेचक की महामारी फैली उससे यहाँ स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई। इसके बाद 1812-13 के बीच में जो पश्चिमी भारत में अकाल की स्थिति पैदा हुई और यहाँ पर भी विशेष रूप से काठियावाड़ क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जिसके पीछे महत्वपूर्ण कारण था टिड्डी एवं चूहों के द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाना। इसके अलावा हम बात करें 1832-33 की, जिसमें गुंटूर में अकाल की स्थिति पैदा हुई, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कारण था फसल नष्ट होना, साथ ही साथ जो कराधान में जो अत्यधिक वृद्धि की गई थी वह भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा उड़ीसा में 1865-71 के बीच में अकाल की स्थिति पैदा हुई, जिसमें किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, साथ ही साथ यहाँ पर स्थिति और ज्यादा बदतर इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन था उसने भोजन के आयात से इनकार कर दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं औपनिवेशिक साम्राज्य में आने वाले अकालों के कारणों के बारे में। इसमें जो सबसे पहला कारण था यहाँ पर सूखे की स्थिति होना, जो 1870 से 1920 की अवधि की अगर हम बात करें तो वहां में जो बंबई में जो अकाल की स्थिति का जो कारण था वह सबसे बड़ा कारण था सूखे की स्थिति होना। यहाँ पर जो पानी की कमी के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिससे जो खाद्य कीमत थी वह अपने चरम स्तर पर पहुंच गई, जिससे यहाँ पर जो खेती और मजदूरी थी उनकी वह मजदूरी भी कम कर दी गई, जिससे उन्हें कुपोषण एवं महामारी की स्थिति का वहां पर कारण बना। इसके अलावा दूसरा कारण था ग्रामीण ऋणग्रस्तता का होना। जो ऋण होता है हमेशा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और जो ब्रिटिश सरकार जो अत्यधिक लगान जो किसानों से लेती थी उसके कारण से उनकी ऋणग्रस्तता काफी ज्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन जब सूखे की स्थिति हुई तो ये ऋणग्रस्तता उनकी और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा अगर हम अन्य कारण की बात करें तो जो ब्रिटिश की जो दमनकारी नीतियां थी वह भी इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण थी। जो अकाल का जो मुख्य कारण देखा गया वह भारतीयों पर शोषण एवं दमन नीति थी, साथ ही साथ जो कृषि उपज थी उसका बड़े पैमाने पर ब्रिटेन में निर्यात कर दिया जाता था, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके अलावा जो कार्नवालिस के द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया, जिससे किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया और जो जमींदार थे भूमि के वास्तविक मालिक बना दिए गए और जमींदारों की कृषि के विकास में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, जिससे हमारी जो पहले से पिछड़ी हुई कृषि और ज्यादा पिछड़ गई। इसके अलावा एक और कारण था 1943 का जो अकाल की जो स्थिति बनी थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बनी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैन्य उद्देश्यों के लिए खाद्यान्न की बड़ी खरीद की जा रही थी और उन जो खाद्यान्न को सैन्य उद्देश्यों के लिए भेजा जा रहा था। तो ये हमने बात की अकाल के कारणों के बारे में। इसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में बात करें तो जो औपनिवेशिक काल के दौरान अकालों का अर्थव्यवस्था और यहाँ तक की संस्कृति पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इसके अलावा अकालों ने निस्संदेह जनसंख्या वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डाला, साथ ही साथ इससे हमारा आर्थिक विकास भी कम हुआ। जो ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी जो नीतियां थी उसकी आबादी को लंबे समय तक पीड़ा गरीबी एवं शोषण के अधीन उनको कर दिया। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया 2022 में आए हुआ आधुनिक भारतीय इतिहास खंड से। इसी तरीके सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप इस हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।